खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे कपिलेश्वर महादेव मंदिर की पूजा अर्चना। मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति के सदस्य एवं रहवासियों ने की घाट बनाने की मांग। उज्जैन के बड़नगर तहसील में चंबल नदी के तट पर बड़ा ही प्राचीन शिव मंदिर है कपिलेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व विधायक मुकेश पांड्या भी मौजूद रहे। मंदिर में मौजूद सर्वेताए कपिलेश्वर महादेव विकास समिति के पदाधिकारियों ने उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का सम्मान पुष्पमाला पहनाकर किया और नदी में पानी भर जाने की वजह से मंदिर में कटाक्ष होता है, मिट्टी बहती है, घाट और दीवार बनाने की मांग स्थानीय रहवासियों और समिति के पदाधिकारियों ने की। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि शीघ्र दीवार और घाट का निर्माण करवा दिया जाएगा ताकि भक्त और श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करने के दौरान और स्नान करने के दौरान समस्या परेशानी ना हो। लेकर जैसे मिट्टी उसको लेकर किस प्रकार यहाँ की जो समिति के द्वारा मंदिर के पीछे जो कटाव हो रहा है, कटाव के साथ में मंदिर में मिट्टी सड़क रही, उसके पीछे दीवार बाउंड्री वाल बनाने की बात आई है और उन्होंने यह मांग करी। उस साथ ही घाट क्योंकि एक दर्शनीय रमणीय स्थल पुरातत्व विभाग से भी ये निवेदन की जगह को अवलोकन करा, उनके द्वारा बताया कि रमणीय स्थल यहाँ पे लगातार लोग आते रहते हैं, 12 महीने लोग आते हैं और पूछो कि नदी है, नदी के पार अच्छा एक अच्छा स्थल है तो यहाँ पे एक घाट का निर्माण हो जाए। तो इसी मांग हमने आदरणीय हमारे उज्जैन आलोक क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के सांसद सम्मान्य अनिल जी फिरोजा के हमने मांग कर रखी और उनके द्वारा मध्य प्रदेश के जो अभी आगामी फरवरी में जो बजट होगा उस बजट में बताइए कथा कहाँ पर चल रही है और किस प्रकार से कह रहा। निश्चित रूप से हमारे भोला गुरु का बहुत बड़ा योगदान है और आज कपिलेश्वर में जिस प्रकार से पूजा होती है वह एक अनूठी, जो कि बहुत दिनों बाद ऐसे कोई हमें पुजारी जो मिले कि यहाँ की व्यवस्था भी देख रहे हैं, यहाँ का पूरा ध्यान भी रख रहे हैं, झाड़ भी लगा रहे हैं और पूजा भी इतनी अच्छा कर रहे हैं। मैं ऐसे हमारे भोला गुरु से निवेदन करूँ। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।